मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 5 किसानों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं और पूरे राज्य में नफरत की आग लगी हुई है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह हिंसा राजनीतिक फसल साबित हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मंदसौर जाएंगे, यहां वो मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलेंगे। सवाल यह है कि जब मंदसौर में हालात खराब हैं तो नेता राजनीतिक पर्यटन के लिए क्यों जाना चाहते हैं? क्या नेताओं के लिए किसानों की जान से ज्यादा वोटों की फसल की अहमियत है? इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर की मौजूदगी है, इसलिए खबर पूरी तरीके से पुष्ट है। हमारे रिपोर्टर ने चश्मदीदों से बात की है। रिपोर्ट के लिए वीडियो जी न्यूज के कैमरे से शूट किया गया है, इसलिए खबर पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। अन्नदाता आंदोलन के हिंसक होने से मध्य प्रदेश जल रहा है। सड़कों को जाम किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, यहां तक कि डीएम की पिटाई कर दी। हिंसा कर रहे लोगों ने मध्य प्रदेश को नफरत की आग में झोंक दिया है। इस आग को बुझाने के लिए ईमानदार कोशिश हो रही हो ये तो नहीं दिख रहा, लेकिन राजनीतिक दलों का ट्रेजेडी टूरिज्म जरूर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करने वाले हैं। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मुलाकात करूंगा। राहुल गांधी के इस ट्रेजेडी टूरिज्म में जेडीयू नेता शरद यादव और कमलनाथ भी साथ होंगे। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले, इससे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब एमपी में हालात इतने बिगड़े हुए हैं तो इस मौके पर मंदसौर जाने की क्या जरूरत है? प्रशासन लोगों को शांत करने में लगा है। राहुल गांधी को मंदसौर जाने की इजाजत नहीं होने के बावजूद राहुल गांधी मंदसौर क्यों जाना चाहते हैं? क्या मंदसौर में पीड़ितों से मिलने की आड़ में राहुल गांधी 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं? क्या अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले मंदसौर यात्रा राहुल गांधी को सियासी मजबूती देने के लिए है? आखिर किसानों की लाश पर सियासत करने की जरूरत क्या है? क्या राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए माहौल ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते थे? ऐसा नहीं है कि किसानों के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही वोट यात्रा में लगी है। आम आदमी पार्टी के भी 5 बड़े नेता 9 तारीख को मंदसौर का ट्रेजेडी टूरिज्म करने वाले हैं। ऐसी यात्राओं में किसानों के हित की बात होगी या नहीं इतना तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक हित की बात जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मध्य प्रदेश में हिंसा कांग्रेस की साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, अगर बीजेपी को आरोपों में दम लग रहा है तो वो शिवराज सरकार से कहकर इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करवाती है? संदिग्ध कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया कि कैसे भी अशांति फैल जाए। किसानों को भाजपा आह्वान करती है कि इन कांग्रेसों से सावधान, ये कांग्रेसी कुर्सी के लिए किसानों के लहू बहा सकते हैं और बहा रहे हैं। कांग्रेस कैसे भी मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाने के लिए कितने भी नीचे स्तर तक जा रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के 2 बड़े नेता मीडिया के सामने ये दावा कर रहे हैं कि अन्नदाताओं के आंदोलन को हिंसक बनाने में कांग्रेस की साजिश है। तो सवाल ये है कि सरकार कांग्रेस की साजिश को बेनकाब क्यों नहीं कर रही है? के नेताओं की जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तो राज्य सरकार की नाकामी है कि वो उनकी धरपकड़ नहीं कर पा रही है।
उनको जांचने के बाद पहचानने के बाद जेल में नहीं डाल पा रही है। सवाल इसलिए है क्योंकि शिवराज सरकार के पास पुलिस है, प्रशासन है, राज्य की लोकल इंटेलिजेंस है। बावजूद इसके किसान आंदोलन को साजिशकर्ताओं ने कैसे हाईजैक कर लिया और सरकार सिर्फ कांग्रेस के नाम पर अपनी नाकामी छिपा रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि इंदौर के राव विधानसभा से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पुलिस वालों से उलझ रहे हैं। एसडीएम उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने शांति की बात कही थी लेकिन अब हिंसा करवा रहे हैं। आपने शांति का बोला था, मैंने वो गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबल, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीजिए आप। आपने गारंटी ली थी, आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, विधायक जी आपने गलत किया। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा है कि जीतू पटवारी किसानों को उकसा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी अब तक जीतू पटवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या शिवराज सरकार की ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से मध्य प्रदेश जल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम राजनीति और साजिश के बावजूद मध्य प्रदेश में शांति कायम करने की कोशिश जारी है। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 1100 जवानों को मध्य प्रदेश भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जबकि हिंसा पर काबू पाने के लिए पिपलिया, मंडी और मंदसौर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जाहिर है अभी जो प्रथम दृष्टिया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड कैस किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। वो जब तक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है तब तक ये बताया जाना संभव नहीं है। इंक्वायरी के पहले आप ये टिप्पणी कर सकते हैं कि ये पुलिस ने गोली नहीं चलाई? नहीं, ये कब मैंने टिप्पणी की? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम ये मान रहे हैं कि पुलिस ने किसानों पर फायरिंग की थी, लेकिन क्या किसानों की मौत पुलिस की गोली से हुई या इसके पीछे कोई और है? यह सवाल बड़ा हो गया है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अन्नदाताओं के आंदोलन को नकाबपोशों ने हाईजैक कर लिया है। हिंसा वाली तस्वीरों में आप हर जगह ऐसे नकाबपोश देख सकते हैं, कहीं पत्थरबाजी करते हुए तो कहीं आग लगाते हुए। अब इनसे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। हालात से निपटने के लिए केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 1100 जवानों को मध्य प्रदेश भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जबकि हिंसा पर काबू पाने के लिए पिपलिया, मंडी और मंदसौर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जितना तेजी से सिचुएशन इम्प्रूव करेगा, पिछले 2 घंटे से कोई इंसिडेंट अकर नहीं हुआ है और अगर ऐसे ही कुछ और घंटे में या फिर कुछ और समय में अगर ये सारी चीजें होती रहीं और हमें लगेगा कि ना इंटरनेट की सेवा बहाल करने में किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं है तो हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देने में कर्फ्यू भी ना सेम उसी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी तेजी से हमारी सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है फील्ड में। सरकार और मंदसौर प्रशासन दावा कर रहा है कि इस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।